एडमिरल करमबीर सिंह ने शुक्रवार को नए नौसेना प्रमुख के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की जगह नए नौसेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख होंगे। बताते चलें कि मौजूदा नौसेना प्रमुख 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एडमिरल सुनील लांबा ने अपने 3 साल के कार्यकाल की शुरुआत मई 2016 में की थी। मौजूदा समय में वाइस एडमिरल करमबीर सिंह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसैन्य कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर कार्यरत हैं। नए नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के पूर्व छात्र रहे हैं। वो जुलाई 1980 में भारतीय नौसेना से जुड़े। एनडीए में आने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र में बारनेस स्कूल देवलाली से स्नातक की शिक्षा हासिल की थी। करमबीर सिंह मूल रूप से जालंधर के रहने वाले हैं और उनकी शिक्षा देश के कई शहरों में हुई, क्योंकि उनके पिता भी भारतीय वायुसेना में थे और विंग कमांडर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे। अपने 37 साल के लंबे करियर में करमबीर सिंह को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में शानदार सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप चांद बीबी, लड़ाकू जलपोत INS विजय दुर्ग के अलावा INS राणा और INS दिल्ली जैसे 4 बड़े और बेहद अहम जहाज उनके नियंत्रण में रहे हैं। करमबीर सिंह एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं और चेतक तथा कामोस को उड़ा चुके हैं। नौसेना प्रमुख का पद संभालने के बाद एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, मेरे पूर्ववर्तियों ने सुनिश्चित किया कि नौसेना के पास एक ठोस आधार हो और वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं उनके प्रयासों को जारी रखूं और देश को एक ऐसी नौसेना दूं जो मजबूत, विश्वसनीय और समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार है। बताते चलें कि वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नौसेना प्रमुख के तौर पर नियुक्ति पर सवाल भी उठने लगे हैं। अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर अपनी वरिष्ठता की अनदेखी कर करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख बनाए जाने को लेकर चुनौती दी थी। बिमल वर्मा के वकील अंकुर छिब्बर ने कहा कि AFT के मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है। क्योंकि सरकार ने ट्रिब्यूनल के समक्ष करमबीर सिंह की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए और समय की मांग की थी। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने नए नियुक्त हुए नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह को एडमिरल सुनील लांबा की जगह नौसेना प्रमुख का पदभार संभालने को मंजूरी दे दी और इस पद पर बने रहने और इस पद पर बने रहना मामले की अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा। इससे पहले AFT ने पिछली सुनवाई में सरकार को 29 मई को नियुक्ति संबंधी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने बिमल वर्मा के आवेदन को खारिज करते हुए आदेश जारी किया था, जिसके बाद वर्मा ने AFT में एक याचिका दायर कर करमबीर सिंह की नियुक्ति और मंत्रालय के चयन के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। देश में नियुक्त हुए नौसेना प्रमुख का विवाद जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, जिससे नौसेना को आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।